मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत महाराज जी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सूचना पर बीएमपी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मुशहरी अंचल अधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह, नगर अध्यक्ष रोम प्रकाश, नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष रवि कुमार, दरोगा जितेंद्र कुमार के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। वार्ड पार्षद कृष्णा महतो के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विवाह भवन में 2 घंटे तक बैठक की। बैठक के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया कि सोमवार को महाराज जी पोखर की पैमाइश नापी जाएगी और साथ ही आसपास के सरकारी जमीन की भी नापी जाएगी और फिर भिंड पर अतिक्रमण किए गए लोगों से अतिक्रमण हटाने को लेकर विचार किया जाएगा। इधर मोहल्ले की सैकड़ों महिला, युवा और बच्चियां बैनर पोस्टर लेकर धरना पर बैठ गए और जमकर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। धरने पर बैठी महिलाओं ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय उन्हें यहां बसाया गया था। यहां लगभग 1000 की आबादी में 106 घर हैं। सरकार हमें उजाड़ देगी तो हम गरीब कहां जाएंगे, खून बहा देंगे पर जगह खाली नहीं करेंगे। सरकार और जिला प्रशासन पहले हमारे रहने की व्यवस्था करे, फिर हम जगह खाली करेंगे। मौके पर पहुंचे भाकपा मेल नेता शत्रुघ्न सैनी ने कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी है। जल जीवन हरियाली के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इस महाराज जी पोखर पर कुछ भू माफियाओं की नजर है कि कैसे गरीबों को उजाड़ कर जमीन पर कब्जा किया जा सके। जिला प्रशासन संघ बैठक में यह मांग रखी गई कि पोखर भिंड पर बसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएं। सोमवार को नापी कराई जाएगी जिसमें हम सभी सहयोग करेंगे पर किसी भी कीमत पर गरीबों को उजड़ने नहीं देंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के स्थानीय विधायक सह नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि यह नगर विकास व आवास मंत्री सह शहर के विधायक सुरेश शर्मा का षड्यंत्र है जिसका भाकपा माले विरोध करेगी और उस षड्यंत्र को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। जो भिंड पे लोग हैं जो अतिक्रमण मतलब ये कह रहे हैं कि ये बसे हुए हैं बहुत वर्षों से, उनका एक बार हम लोग पर नापी करा देना चाहते हैं। और भी जो अगल बगल में जो सरकारी जमीन है उसकी एक नापी हो जाएगी, उसके बाद उनका जो ब्लूप्रिंट बना है उसके हिसाब से इनसे बात करेंगे और जहाँ तक होगा कुछ इनके भी बातों को विचार किया जाएगा, कुछ अपनी भी जो आवश्यकता होगी सरकार की, दोनों को देखते हुए कुछ एक निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी रोक दिया गया है तो ऐसा तो कुछ हम लोग कर रहे हैं। मतलब क्या रोक दिया गया, मैं ये समझा रहा हूँ। धरना भी चल रहा है, धरना पर बैठे हैं लोग, महिला और बच्चे हैं, अतिक्रमणकारी धरना पर बैठे हैं, अतिक्रमणकारी है। मुझे ये तो नहीं पता कि धरने में बैठे हैं, तो धरने से मतलब नहीं था। बड़ी संख्या पुलिस बल भी बुलाई गई थी यहाँ पे, किस लिए? बड़ी संख्या में पुलिस बल इसलिए आई थी क्योंकि नापी हम लोग करना चाहते हैं इसका, और ये लोग बोले हैं कल कि नापी में कोई दिक्कत नहीं है, कल से नापी शुरू होगी। प्रशासन है, गरीब आदमी सब है, इसको पहले बसाने का काम करे तब बुझा रहे। बैठक में क्या वार्ता हुई है? बैठक में टाइम दिया गया है। कितने दिनों का? हम लोग टाइम अभी मांगे हैं, 5-6 महीने का टाइम मांगे हैं कि पहले इनका पहले व्यवस्था किया जाए तो बात ही कर्म हटे। हम लोग कोई आदमी नहीं हटेंगे, हम लोग वही घर में रहेंगे, बाल बच्चा लेकर के हम लोग कहाँ जाएंगे। कोरोना में कहते हैं सरकार की कोरोना में घर से बाहर निकलो, नहीं निकलो। कोरोना में हम निकलेंगे तो बाल बच्चा लेकर के मरेंगे कि नहीं मरेंगे, इससे अच्छा कि हम घर में क्यों ना मर जाए। हम लोग रह रहे हैं 40 साल से, 40 साल से हम लोग रह रहे हैं तो अभी और एक बैग कह रहे हैं कि घर खाली करो। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है कि खाली करो, तो हम खाली कैसे करेंगे? हमारा कोई व्यवस्था करो, हमारा कोई इंतजाम करो, तब ना हम लोग रहेंगे। क्या मांगे आप लोग? यही मांगे कि वही में रहेंगे। अगर नहीं मानी जाए तो क्या कीजिएगा? हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, सब लोग खून निकल जाएगा, खून निकल जाएगा, मर जाएंगे सब बाले बच्चा। हम लोग 600 आदमी है, 600 106 घर है, कैसे हट जाएंगे? हम लोग खून पसीना लगा के घर बना है, हम लोग कैसे हट जाएंगे? गरीब आदमी हम लोग। महाराजी पोखर पर सैकड़ों भिंड है, जिनके पास कोई जमीन नहीं होता वही भी कि जमीन पर बसता है, रोड किनारे बसता है, सब किनारे बसता है। 50 वर्ष से यहाँ बसे हुए लोग, लेकिन इस महाराजी पोखर पर कुछ भू माफिया का नचा कि कैसे गरीबों को उजाड़ करके इस जमीन पर, इस पोखर पर कब्जा कर लें। और इसमें प्रशासन को मजबूत भी निभाना था। पूरे राज्य में, पूरे देश में देखा जा रहा है जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, भूमिहीनों को उजाड़ा जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जल और जीवन किनके लिए? जब तक जीवन नहीं होगा तो जल कहां से, हरियाली कहां से? इसलिए आज जो सीओ साहब आए, बड़े पदाधिकारी आए, उन लोगों के बीच बात हुई, उन लोगों ने उजाड़ने का नोटिस दिया था। हम लोगों ने कहा कि किसी भी स्तर पर नहीं उजाड़ने देंगे। उन्होंने यहां पर समझौता हुई कि अब इस पोखर को नापी होंगे, जो भी भिंडा पर बसे हुए लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ
मैंने क्या कहते हैं कि बसने के लिए यहाँ ठोस कार्रवाई जमीन दी जाएगी और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने का भी कोशिश की जाएंगे। ये मैंने कही कि प्रशासनिक अधिकारी का मैंने कही कि आश्वासन है, कल नापी होगा, हम नापी में सहयोग करेंगे, लेकिन किसी भी शर्त पर यहाँ पर बसे भूमिहीनों को हम उतरने नहीं देंगे। कुल कितने परिवार हैं यहाँ? यहाँ पर कुल लगभग मैंने कहा 106 परिवार है। 106 घर है या परिवार? घर 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 106 परिवार मीन्स घर हो गया, परिवार मीन्स घर। ये इतने लोग हैं और इन लोगों को बसाने की जो है हमारी लड़ाई रही है, हम आगे भी लड़ते रहेंगे और किसी भी स्थिति में यहाँ से परिषद। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कि अभी स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े पैमाने पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, भूमिहीनों को उजाड़ा जा रहा है। बैंक रोड के हम लोगों ने भी देखा है, आज महाराजी पोखर भी निशाने पर है। इस तरह से पूरे मुजफ्फरपुर में तमाम मैंने क्या कहते हैं कि गरीबों को, भूमिहीनों को, ठेला चालक को, रिक्शा चालक को ये सरकार उजाड़ना चाहती है, विस्थापित करना चाहती है। हम इसको कतई नहीं होने देंगे। ये माननीय जो यहाँ के मंत्री, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी का जो षड्यंत्र है, जन विरोधी जो नीतियाँ हैं, इनके षड्यंत्र को भाकपा माले जोरदार विरोध करती है और किसी भी स्थिति में हम गरीबों को उजरने नहीं देंगे। जहाँ मेरा घर है वहीं रहेंगे, जहाँ मेरा बाल बच्चा है वहीं रहेंगे और ये घर छोड़ा के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 40-50 साल से रह रहे हैं, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 100 साल से, हमारी सास के टाइम से हम लोग। क्या मांग है प्रशासन से? हमारा मांग यही है कि जिस घर में हम रह रहे हैं सर, वही घर में हम रहे हैं। 4 महीने साल से हम लोग बसे हुए हैं, बाल बच्चा हुआ, बाल बच्चा का बाल बच्चा हुआ, ये बूढ़े हो गए, इतना उम्र हुआ, 60-65 साल हो गया, 70 साल के हो गए। इंदिरा ने हम लोगों को बसाया था, इंदिरा गांधी हम लोगों को बसाया, ऑर्डर दिया, लोग कट्टी मड़ाई बना बना के जल्दी जल्दी घेरा और आज जो है खून पसीना लगा के ईटा का बनाए हुए उस पर करकट डाले हुए हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि हम आवेंगे फोर्स लेके उसको तोड़ के गिरा देंगे, ऐसा हो जाएगा? प्रशासन को करने देगा? कोई भी एक ईटा छू के देखे प्रशासन कि खून का नदी बह जाएगा, इसलिए कि प्रशासन नहीं दे दिया या सरकार हमको नहीं दे दिया है बना के रहने के लिए। ये दरभंगा महाराज का पोखर है, दरभंगा महाराज का पोखर है और उस पर जो है लोगों ने बसा पोखर अपने को है या घर अपने को है, पोखर साफ करे उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, उसको छोड़ दिया लोगों ने। लगभग कितने परिवार रहते हैं? हमारे घर में 600-700 परिवार है, 600 परिवार। कितने दिनों से रह रहे हैं हम लोग? रह रहे हैं 65 साल से, कोई 40 से, समझिए कि 72 में हम लोगों का उस पर मड़ई बना था, आज तक जो है उसमें कभी कुछ कोई ऐसा बात नहीं है। आज प्रशासन कहता है कि हम फोर्स लेके आएंगे, उठा देंगे। मूंग दाल की फसल को किसानों ने बड़ी मेहनत व लागत से किया था, लेकिन कीड़ा मकोड़ा पिल्लों ने बर्बाद कर दिया। अब जो बचा हुआ है बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल पे पानी फेर कर रख दिया है। लगातार बारिश से बाढ़ के पानी से जोर पकड़ लिया है, दिन ब दिन बाढ़ के पानी में इजाफा होने लगा है। बेमौसम बरसात ने भी लोगों को दहला कर रख दिया है। माल मवेशी से लेकर अब लोगों को आवागमन करने से लेकर जान माल की क्षति होने के भी अंदेशे बढ़ गए हैं। किशनपुर अंतर्गत पीड़गंज वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 में बाढ़ का पानी अपना तेवर दिखाने लगा है। मोहम्मद शमीम खान, मोहम्मद इकराम खान, मोहम्मद मुजीब उर रहमान, मोहम्मद रुस्तम आदि लोगों ने बताया अब तो अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जी कितने नंबर वार्ड में है? 1 नंबर वार्ड में है। जी क्या कहना चाह रहे थे? कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, यहाँ पे यहीं से बस्ती का एंड हो रहा है और जी, हम लोग दो घर यहाँ पे बसे हुए हैं। जी जी जी। और बूढ़ा बुजुर्ग है, वो 90-110 के करीब उसका उम्र है। जी जी। और उसको जो है ले जाने या डॉक्टर का साधन करने के लिए, रोड पे चलने के लिए हमको परेशानी पड़ रही है। जी जी। तो कहे अगर कोई ब्लॉक स्तर से कोई साधन हो जाता, छोटी सी भी नाव का, दो चार आदमी 10 आदमी इधर से इधर कर सके, जी जी, तो आराम हो जाएगा, नहीं तो हमको बहुत सामना करना पड़ रहा है बूढ़े के लेकर के। जी देखा जाए सर पानी का कितनी बड़ी बहाव है, कितना ही है और यहीं से है सारा कुछ पानी का रास्ता, बाकी हर एक जगह तो रोड हो गई, हो गया पुला, हो गया तो उधर से ही है सादा एकदम सारा कुछ, ये भी उधर बस सिर्फ 2 ही घर है और ये दूसरा साधन हमको कहीं रहने का है नहीं,
यहाँ से कहीं और चले जाए, और उतनी भी नहीं है, गरीब मजदूर आदमी है, फिर इसके लिए करे क्या। इसके लिए ही है कि अगर कोई हो जाए छोटी सी नाव का वहाँ पे ही तो चल करके चलो आगे आगे पीछे करके रोड पकड़ ले, किसी तरीके से उसका गुजारा हो जाए। तो देख रहे हैं कि लोगों के घरों तक जो है बाढ़ का पानी आ गया है, तो क्या आप इसके विषय में कहते हैं? सर, इसके लिए जो है अभी तो बाढ़ का पानी आया नहीं है, उससे पहले जो बरसात के पानी से ही हम लोगों की जो है बहुत बड़ा परेशानी हो गया है, और अब जो कुछ बारिश होने के बाद बाढ़ का भी पानी आ गया है, इससे हम लोगों का जो फसल था मूंग की फसल बहुत नुकसान हो गया है। और हम लोगों के यही क्या कि कुछ हम लोगों को जो है इसके बारे में आगे कोई ब्लॉक से हो या सरकार की मदद से हो कुछ हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों का फसल बहुत नुकसान हो गया है, रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आप लोग अपने घरों के करीब में ये देख रहे हैं कि पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर देखिए, अभी जो पानी आया हम लोग कितने पानी में खड़े हुए हैं, जी जी, पानी का जो रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है, और देखिए हम लोग जो पानी में अभी खड़े हुए हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि हम लोग के गांव के अंदर में कितना बड़ा नुकसान पानी आने के बाद हो रहा है। जी जी, पहले जो हम टावर में जो पानी आया था बाढ़ का, हमने उसकी लड़ाई लड़े, और अभी कम से कम 10 गांव जो है 10,000 पब्लिक जो है कोसी तटबंध में बसे हुए है, वो पानी के आने से ये पूरा गांव पानी के चपेट में रहता है हमेशा, इसकी आवाज में हमने पहले 2 साल करीब पहले लगाए थे, और अभी तक सरकार के तरफ से जो है कोई तरह से जो सुनवाई हम लोग के नहीं आया है, न कोई ये संपूर्ण मतलब विश्वास देनी है, विश्वास देने का भी कोई अभी तक जनता है ऐसा। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग तो 3 महीना लॉकडाउन के चक्कर में अभी तो हम लोगों को खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल हम लोग तो उम्मीद लगा रखे थे कि कुछ मूंग रबिया फसल होगा उसको बेच कर जो है अपना जो जिंदगी बसर करेंगे, एक तो लॉकडाउन में मर गए, दूसरा इस जो बाढ़ जो आया उसमें जो मूंग चला गया, तो ये तो हम लोगों का डबल जो लॉकडाउन हो गया, अब हम लोग क्या खाएंगे। मवेशी जो है चारा के लिए तरस रहा है, हम लोगों के पास जो है अभी भूसी भी नहीं है कि जो मवेशी को जो है चारा दे, जो था ये हरा ही घास खिलाने के नौबत में थे, मगर क्या कि वो हरा घास भी डूब गया, मूंग भी डूब गया, अब हम लोगों के यहाँ कुछ है नहीं खाने में, हम लोगों को आफत है, महीने में 5 किलो अनाज देता है सरकार, और हम 5 परिवार हैं, तो बताइए कि 5 किलो में 1 महीना का गुजर हम लोगों का होगा या नहीं, कैसे होगा 1 महीना। आज सुपौल स्टेशन चौक पर नगर भाजपा सुपौल द्वारा चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन मंडल अध्यक्ष महेश देव के अध्यक्षता में किया गया, एवं चाइना निर्मित सामान की खरीदारी व व्यवहार नहीं करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख के गलवान घाटी में सेना पर कायराना हमले की निंदा करते हैं, एवं जिलावासियों से आग्रह करते हैं कि चाइना निर्मित सामान का बहिष्कार करें और संकल्प लें। वहीं पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार ने अपील किया कि सीमा पर मेरे बहादुर सेना दुश्मनों को करारा जवाब देंगे, लेकिन देश के भीतर बैठे दुश्मनों को खोज निकाला कर राष्ट्रवाद पाठ पढ़ा देंगे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर ने कहा कि चाइना को हमारे सेना घर में घुसकर मारेंगे, एवं सभी चाइना निर्मित सामान का बहिष्कार कर चाइना के आर्थिक कमर तोड़ने का संकल्प लें। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष प्रधान, जिला महामंत्री मनोज कुमार सिंह, कुणाल कुमार, सरोज झा, राम अवतार गुप्ता, नलीन जायसवाल, रणधीर ठाकुर, सुमन झा, रंजू झा, जयंत मिश्रा, गिरीश चंद्र ठाकुर, गोरी मंडल, बलराम कामत, सुरेंद्र पाठक, भगवान चौधरी, श्याम पोदार, विमलेंदु ठाकुर, राहुल झा, विनीत सिंह, सुमन झा, शिवेंद्र पासवान, शंकर मंडल, दीपक ठाकुर, ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। पुतला दहन कर रहे हैं और चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 15 तारीख को जो कायराना हमला किया है चाइना ने, उसी के विरोध में जो हमारे शहीद है 20 मारे गए थे, उसी के विरोध में हम लोग चाइना सामान को जितने भी है बहिष्कार कर रहे हैं, उसको हर एक स्तर पर हम लोग घेरना चाहते हैं, या तो आर्थिक स्थिति पर हो या सामरिक स्थिति पर हो, जिस स्तर पर हो हम लोग चाइना को बर्बाद करना चाहते हैं, कि उसको किसी भी हालत में जिस तरह से वो हमारे पड़ोसियों के द्वारा इंडिया के ऊपर एक साजिश के तहत वो हमला करना चाहता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि उसको आर्थिक स्थिति पहले कमजोर करें, उसके बाद इसीलिए सभी लोगों से मतलब जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सभी आदमी मिलकर चाइना सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी निर्मित जितने भी सामान है उसका उपयोग करें, ताकि उसको जितने भी हम लोग वहाँ पर डॉलर में वहाँ से सामान आता है उस पर आदमी जब चोट पड़ेगा तो अपने आप वो दुरुस्त हो जाएगा। पुतला दहन कर रहे हैं, क्या मांग?
चीन भारत देश के सेना के साथ आत्मघाती जो हमला किया है, शुरू से चीन का दोहरा नीति रहा, उसी के खिलाफ में आज हम लोग प्रदर्शन किए हैं। शी जिनपिंग का चाइना सामान का हम लोग बहिष्कार करते हैं और समूचे भारतवासी से आह्वान करते हैं कि सभी आदमी अपने घर से ही लड़ाई लड़े और चीनी सामान कोई नहीं खरीदे। यह बार आर्थिक मार पर पड़ेगा चीन पर, तभी चीन सुधरेगा। सभी आदमी सोचते हैं जो ना सेना लड़ेगी, सरकार लड़ेगी, हम सभी भारतवासी को चीन से लड़ना है, सबको मिलके लड़ना है। उसके सामान का बहिष्कार हम लोग किए हैं। सामान के उद्देश्य में क्या बहिष्कार है, क्या उद्देश्य है? भारत और चाइना के बीच में जो ले में चाइना चाइनीज सिपाही के माध्यम से जो धोखे से हमला किया गया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आज हम सभी भारतवासी कसम खाते हैं कि आज से हम चाइनीज सामान का कोई उपयोग नहीं करेंगे और ना भारत में जो निर्मित होगा वही चीज़ हम प्रयोग करेंगे। हमारे समाज में, हमारे पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है कि चाइनीज सामान का ना प्रयोग करें, ना हमारे देश में इसका आयात हो। और हम भारतवासियों से भी आग्रह करते हैं कि अपने देश में जो निर्मित हो, जो बनता हो, उसी सामान को हम लोग प्रयोग करें, जिससे हमारे समाज में रोजगार का उत्पन्न होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। चीन भारत के बीच हुए झड़प और इसमें 20 भारतीय जवानों के शहीद होने से देश भर में चीन के प्रति काफी आक्रोश है और इस आक्रोश को लेकर लगातार चीन और उसके सामानों का विरोध हो रहा है। राजधानी में भी लगातार चीन के खिलाफ लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जहां लोग चीनी सामानों की होली जला रहे हैं। यही चीन के राष्ट्रपति का अर्थी जुलूस निकाला जा रहा है। आज भाजपा महानगर मंडल के कारगिल चौक पर चीन के राष्ट्रपति का अर्थी जुलूस निकाल कर और चीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गयी। वहीं लोगों ने केंद्र सरकार से सभी व्यापारिक संबंध तोड़ लेने की भी मांग। अंधेरी रात में चाइना के जो जवान है जो हमारे सेना पर हमला किया है, हमारे 20 जवान शहीद हो गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार से कि जिस तरह से हमारे सेना के 20 को शहीद किया है, हम चाहते हैं कि 20,000 को हम लोग को शहीद करें। जिस तरह से हम लोग हताश हुए हैं हमारे सेना के अत्याचार, जिस तरह से किया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक तरह हमारे देश में बिजनेस करेगा, एक तरह हमारे सेना को हत्या करेगा, ये नहीं हो सकता। हम चाहते हैं भारत सरकार से, श्री प्रधानमंत्री जी से, कि जितना हमारे चीन के सामान भारत में बिकता है वो सभी बंद होना चाहिए। और जो भी लेता है, हम सभी भारत के नागरिक से हम अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीन के सामान एक सामान बंद होना चाहिए। एक तरफ बिजनेस, एक तरफ हम लोग सेना का। आज क्या किया? आज हम अर्थी जुलूस निकाल कर वहाँ के विरोध मार्च कर अर्थी जलाया गया है, उसका फोटो जलाया गया है चीन के सरकार का। हम चाहते हैं कि इस पर जवाब दे पूरा दुनिया को। आज विश्व योग दिवस है। कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत में लोगों से अनुरोध किया गया कि अपने घरों में योगा करें और निरोग बने। वहीं पटना के कुम्हरार में लोगों ने अपने घरों में योग कर यह संदेश देने की कोशिश की कि योगा से मन स्वस्थ, तन स्वस्थ और निरोग रहता है। आज विश्व योग दिवस है। कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत में लोगों से अनुरोध किया गया कि अपने घरों में योगा करें और निरोग बने। वहीं भाजपा भी योगा शिविर का आयोजन की है। आज प्रदेश कार्यालय के सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने योग दिवस के दिन विशेष योगा कर लोगों से यह संदेश देने की कोशिश की कि योगा से मन स्वस्थ, तन स्वस्थ और निरोग बनने का एक स्वदेशी उपाय है। योग शिविर में भाजपा प्रदेश कार्यालय के महामंत्री नागेंद्र सिंह एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। वहीं महागठबंधन के सहयोगी दल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने आज प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि आगामी 5 जुलाई को डिजिटल रैली करेंगे, जिसके माध्यम से बिहार के कोने कोने में लोगों से बात करेंगे और चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे। चुनाव की तैयारियां की जाए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी उनका आईटी सेल का काम कर रहा है वह पूरे तरीके से उचित दिशा निर्देश दिया गया है कि जनता हर समस्या को सुना जाए और बिहार विधान
विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें मजबूती के साथ वह मैदान में उतरेंगे। साथ ही कहा कि 2020 में 5 जुलाई को वह डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद हर प्रखंड, हर गांव, हर विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कार्य में लग जाएंगे। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश से, हमारे खास करके युवा साथी जो आईटी सेल पे जो पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं वो सारे पूरे प्रदेश से पदाधिकारी आज यहाँ पे पटना पहुँचे हैं। और हमारा जो मिशन है 5 जुलाई 2011 को मिशन 2020 बिहार विधानसभा को लेकर पूरे बिहार में डिजिटल रैली हम करने के लिए जा रहे हैं, जो एक साथ में पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फेसबुक के जरिए और जहाँ पे भी जो भी सुविधा हो उसके जरिए पूरे बिहार में हमारे लोग उपलब्ध होंगे। और उस रोज मिशन 2020 बिहार विधानसभा के बारे में पूरे बिहार के तमाम जनता को और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, जिला या प्रदेश कमेटी के सारे लोगों को हम लोग संबोधित करेंगे। और कह सकते हैं कि 5 तारीख के बाद हमारा नॉन स्टॉप पूरे प्रदेश में 2020 के लिए हम लोग चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आज हमने अपने तमाम साथी को बुलाया, खास करके सोशल मीडिया के सारे साथी को, कि 5 तारीख के लिए तैयारी अपने अपने जिला में, अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रखंड में, जहां पे चौक चौराहे पे जहां पे हो सकता है वहां पे आप लोग तैयारी कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े उसके लिए हम लोग 5 तारीख को हम लोग डिजिटल रैली करने के लिए जा रहे हैं। नहीं देखिए, अभी सब पार्टी का काम है अपने अपने पार्टी का काम करना, और उसमें आप देखिए कि एनडीए के तरफ से भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, तमाम लोगों ने अपने अपने कार्यक्रम किए हैं। अभी हमने भी काम चालू कर दिया है और हमें लगता है कि हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल है या और अन्य जो भी पार्टी है, कांग्रेस है, सब मिलकर अपने अपने कार्यक्रम करेंगे। और निश्चित तौर पर महागठबंधन मजबूती के साथ आने वाले समय में हम लोग एक साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल ही नहीं, ये गलत खबर है और मैं आपको अभी इस बात को खंडन करता हूँ। मैं कहीं नाराज नहीं हूँ, हम अपनी पार्टी को मजबूती करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। पार्टी का कार्यक्रम है विकासशील इंसान पार्टी का, और हम अपनी पार्टी का विचारधारा, अपनी पार्टी का उद्देश्य, अपनी पार्टी किस तरीके से तैयारी करेगा इसके बारे में बिहार के जनता को हम अपने विजन मिशन के बारे में हम जानकारी देंगे। पूरे प्रदेश में एक साथ में हमारे लाखों लोग एक साथ में हमारे भाषण को सुनेंगे और बिहार को संबोधित करेंगे। बिहार में तानाशाह की सरकार, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन, कानून सब गोलमाल है। बिहार भूखमरी के कागार पर कारण भ्रष्टाचार है। कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं, कोई कल कारखाना नहीं, फिर भी चारों ओर ढिंढोरा पीटने वाले सुशासन बाबू, आपको समझने की जरूरत है। बिहार खुशहाल नहीं, बदहाल है। माननीय मुख्यमंत्री, न्यूज चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप कितने रिश्वतखोर ऑफिसर पर नकेल कसने का काम करें। सैकड़ों चीनी मिल कर्मचारी आज चीनी मिल के दौरान शिव मंदिर के पास धरना प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार पर काफी नाराजगी जताई है। लोग इस प्रकार से मौजूद थे। विनोद कुमार झा बहादुरपुर से, शंभो सिंह मांगनपुर, सोनू कुमार मांगनपुर, शिवजी पासवान मुस्तफापुर, हरशेर और मुख्य रूप से पंकज कुमार सहनी मौजूद थे। आप चीनी मिल के कर्मचारी हैं? हाँ। आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज यही देना चाहते हैं कि कट ऑफ डेट 31 मार्च 2016 कर दिया गया। सरकार के द्वारा पैसा भी भुगतान के लिए कलेक्टर के यहाँ दे दिया गया, परंतु अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इस बीच में लगभग हमारे 25 कर्मचारी मर चुके हैं। 5 कर्मचारी तो अभी तत्काल फॉर्म भरने के बाद मर चुके हैं। इसलिए सरकार से मेरा यही अनुरोध है, प्रशासन से और अपने विभाग के बड़े पदाधिकारियों से, जितनी जल्दी संभव हो मजदूरों का भुगतान कराया जाए। अभी विनोद कुमार झा बोले और सरकार के लिए मैसेज दिए, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यही सरकार से कहेंगे कि जितनी जल्दी हो हमारी फसली तो बात ये की सर, तुम तक पैसा नहीं मिलता है तो अब आप हत्या नहीं करें, हम करेंगे। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? जितनी जल्दी हो, ऐसे तो हम भिक्षाटन के लिए भी तैयार है, भिक्षा भी मांगते हैं कभी कभी, तब हमारा गुजारा होता है। 5 किलो अनाज सरकार देती है, फिर उससे हम क्या होगा, पैसा 31 मार्च 2016 को रिटायर कर दिया गया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे कोई रोजगार है, पैसा इसी बल पर हुआ, इसलिए हम क्या करें क्या नहीं, जिंदगी जीना ही बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें। मैं इसी चीनी मिल के एक फीटर पद पर काम करता हूँ और यहाँ जो ऐसे कट ऑफ डेट 31 मार्च 2000
16 को निश्चित किया गया, जो उस समय से आज तक पैसा जो है थे कलेक्टर के यहाँ जमा है और जो है थे केवल यहाँ के अकाउंटेंट और भविष्य निधि क्लर्क और जो है से महाप्रबंधक के उदासीनता के कारण हम लोगों को पैसा आज तक भुगतान नहीं किया गया और बार बार हम लोगों को अटकलबाजी किया जाता है कि भाई पैसा अब मिलेगा, कब मिलेगा, दो दिन में मिलेगा, एक महीने में मिलेगा और ऑडिट भी हो गया, सब कुछ सब प्रक्रिया जो है से समाप्त हो गया लेकिन आज तक पेमेंट नहीं हुआ और इसमें ये लोग पैसा का कुछ डिमांड कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के पास में पैसा है कहाँ जो पैसा दें। पैसा का डिमांड कौन कर रहे हैं? ये जो है से ईपीएफ क्लर्क हैं, सो भविष्य निधि क्लर्क और जो है से लेखापाल कहते हैं कि महाप्रबंधक पैसा मांगते हैं, पैसा आप लोग दीजिए। हम लोग इसके लिए एक और मीटिंग बुलाई, उसको भी हम लोग प्रकाशित किए दैनिक जागरण में, प्रभात खबर में, हिंदुस्तान में, सभी पेपरों में हम लोग जैसे इसको समाचार पत्र में प्रकाशित किया लेकिन आज तक अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग बाध्य करके निर्णय ले लिया है कि अगर से 30 जून तक हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, पैसा में का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग 1 जुलाई को नोटिस देंगे सरकार के पास, आत्मदाह, हम लोग सब संपूर्ण आदमी आत्मदाह का नोटिस देंगे। हम लोग बाध्य हैं, मरने के कगार पर है, कितने आदमी मजदूर हमारे मर गए, प्रेजेंट में अभी 5-6 आदमी मरे हैं, उसके पहले भी मरे दर्जनों आदमी से ऊपर मर चुके हैं, इलाज के अभाव में पैसा नहीं मिल रहा है। मेरा भी तबीयत खराब था लेकिन पैसे के अभाव में मैं उचित इलाज नहीं करा सका, यही सब हम लोगों की समस्या है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, कहूंगा नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अविलंब हम लोगों का पैसा का भुगतान किया जाए। नीतीश कुमार जी, आप 96 दिनों के बाद डराने गए थे, आपको डराना चाहिए पदाधिकारी को जिसने पूरे घोटाले किए हैं और मात्र 15 दिन पहले ये टेंडर हुआ है। ये क्यों टेंडर हुआ? कंकरबाग अंचल अंतर्गत श्रीनगर कॉलोनी कुम्हरार 46,70,600 रुपये की लागत से ड्रेनेज पंपिंग सेट का निर्माण कार्य जून 2020 में पूरा होना था, नहीं हुआ। 17 सैंप हाउस का टेंडर हुआ, आज तक वो 17 सैंप हाउस पटना की धरती पर नहीं आया। कंकरबाग अंचल अंतर्गत नंदलाल छपरा में 46,70,600 रुपये की लागत से अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण 2000 पूरा में हुआ था, नहीं हुआ। कंकरबाग अंचल दशरथ में 46,70,600 के लगभग पूरा होना था, नहीं हुआ। कंकरबाग अंचल अंतर्गत जक्कनपुर में 46,070 के लगभग लागत होनी थी, नहीं हुआ। बांकीपुर अंचल अंतर्गत बकरी बाजार में लगभग 46,70,000 टोटल 46,70,000 के ये लागत का टोटल है। अजीमाबाद में भी 46 लाख, पाटलिपुत्रा में भी 46 लाख, पाटलिपुत्रा अंचल राजीव नगर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत बटवारा ब्योर पुल ब्योर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत रफसपुर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत सबरी नगर में 46 लाख, नूतन राजधानी अंचल अंतर्गत मोर्ज बिहार में 46 लाख, अजीमाबाद अंचल अंतर्गत बादशाही नाला में 46 लाख, अजीमाबाद अंचल अंतर्गत खानपुर सुलेश कौआ में 46 लाख, सैदपुर मोटर पंप की मरम्मति 2020 में करना था, आज तक नहीं हुआ। 17 पंप हाउस के टेंडर हुए, आज तक नहीं हुआ। और ये टेंडर की कॉपी है मेरे पास टोटल। अभी आप निकट भविष्य में जो टेंडर किए बारिश के समय और जो 17 पंप हाउस आने का जो टेंडर था, वो पैसा कहाँ गायब हो गया?
एक तो मेरा सवाल यह था, दूसरा सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। एक तो आपने मान लिया 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत का लगभग चाइना के अंडर में है, और आपने कह दी कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। मतलब हमने चीन को और दुनिया को यह बता दिया कोई कब्जा नहीं है। तो सबसे पहला सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि 20 किसम फौज पर जाकर कुछ जवाब नहीं देना, घर में बैठकर भी वो पदाधिकारी को सस्पेंड कर सकते थे, डर उनको दिखा सकते थे, लोहा का सम्प हाउस डर नहीं दिखेगा। नीतीश बाबू, मैंने आपसे 17 सम्प हाउस के बारे में पूछा कि वो 17 सम्प हाउस का टेंडर होने के बाद आज तक वो बिहार में पटना क्यों नहीं लगा, और जिनके जिनके 46,70,000 सभी जगह के जो टेंडर 2019 में हुए थे 20 तक क्यों वो पूरी नहीं हुई। क्या इस बार पटना 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर में क्या पूरा का पूरा पानी से डूब के नर्क हो जाएगा? यदि इस बार पटना पानी में डूब के नर्क होता है जुलाई अगस्त सितंबर में, तो मैं चाहता हूं रविशंकर जी, नीतीश जी और यहां के अन्य सांसद विदिन ए मिनट आपको रिजाइन कर देना चाहिए और एफआईआर लॉन्च होना चाहिए उस शहरी विकास मंत्री पर जिन्होंने कहा कि ये जो पानी जम गया ये कोरोना वायरस के चलते जमा था। मतलब कभी डेंगू आता है तो ठंडा के चलते आता है, चिमकी आता है तो गर्मी के चलते आता है, बाढ़ आता है तो नेपाल के पानी के चलते आता है, और पटना में जल जब जम जाता है तो कोरोना वायरस के चलते आता है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए, और इस बार यदि बाढ़ लगता है तो रविशंकर घोषणा करिए कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये पप्पू यादव का सीधा आरोप है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़, जेड न्यूज़, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।